हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं ये अपना सेल्फ वैक्स कर रही हूँ। देखिए, मैं क्षमा चाहती हूँ, बहुत दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। नवरात्रि में बहुत बिजी चल रहा है, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं। ये मैंने सेल्फ अपना वैक्स किया था, तो ये मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पहले हाथ में अपने पाउडर लगा लेंगे अच्छे से, कोई बॉडी मॉइस्चराइजर कुछ क्रीम वगैरह नहीं लगाना है। पहले पाउडर लगा लेंगे और अच्छे से मिला के, और अच्छे से अपना वैक्स अंदाज से आप गर्म कर लें, उसके बाद लगाएं, अप्लाई करें। ये नीचे से ऊपर तक ग्रोथ अपना बालों का पहले देख लेंगे, जिस तरफ से है उसके सीधे लगाना है, और स्ट्रिप जैसे सीधे लगा के अपोजिट खींचना है नीचे से ऊपर। देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ चाकू पे। ये वैक्स अच्छे से अप्लाई आप करके फिर आप ट्राई कर सकते हो घर में भी, नहीं तो एक दूसरे का घर में कोई है तो आप सहारा लेके भी कर सकते हो। अगर इमरजेंसी में आप कहीं जाना है, आपका हाथ डल दिख रहा है, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। देखिए मेरा उतना तो नहीं था, फिर भी नवरात्रि था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा अच्छा क्लीन हो जाएगा, तो मैं खुद से कर रही हूँ। ये मैंने लगा लिया, अब स्ट्रिप सीधा लगाएंगे। सीधा लगा के इसके अपोजिट खींचना है झटके पे, ऐसे धीरे से आप खींचोगे तो नहीं होगा। हाँ, स्ट्रिप में भी दो तरफ होता है, जैसे एक तरफ थोड़ा सा खुरदुरा सा होता है, एक तरफ चिकना, तो जो चिकनापन है वही अपने को चिपकाना है चिकने तरफ से। देखिए उसको अच्छे से चिपका के प्रेस करके फिर हमको खींचना है। तो ये क्लीन कितना अच्छा हो रहा है। ये मेरा एलोवेरा वैक्स है, बहुत अच्छा इसका ग्लो आता है। तो ये जैसे बरसात में भी आप कर सकते हो, बरसात में भी ये पानी नहीं छोड़ता है, पसीने नहीं आते इससे, हर मौसम में चल सकता है। ये मेरा हाथ क्लीन हो गया। आप मेरा वीडियो देख के खुद भी घर पे कर सकते हो। अगर कभी आप पार्लर नहीं जा पा रहे हो तो फिर घर पे अपना एक डब्बा खरीद के, वैक्स हीटर खरीद के, और फिर आप गर्म करके कर लो। और वैक्स गर्म करने का तरीका, जैसे वो अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर वो नाइफ पे रुकेगा नहीं, वो टपकता है। अगर थोड़ा गाढ़ा हो गया तो समझ जाओ कि ये ठंडा हो गया, नहीं तो फिर गर्म अगर लगाओगे तो फिर किसी का हाथ जल सकता है, आपका हाथ जल सकता है। तो उसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक रखना है, हाथ से थोड़ा सा छू के भी देख सकते हो कि हाँ गर्म है कि ठंडा है। देखो कितना अच्छा क्लीन हो जा रहा है। तो ऐसे आप पूरा वीडियो देख के मेरा देखना कितना अच्छा हाथ पूरा क्लीन हो गया है। आप पैर का भी उसी तरीके से अपना पैर का भी वैक्स कर सकते हो, तो पैर का तो आसानी से हो जाता है, थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन हो जाता है। ये लेफ्ट हैंड में तो अच्छे से हो जाता है, राइट में थोड़ा दिक्कत होता है, जो लेफ्टी नहीं है तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन फिर हो जाता है, कोशिश करने पे तो सभी काम हो ही जाते हैं। तो आप ऐसे देख के मेरा वीडियो और पूरा आप अपना हाथ पैर का वैक्स कर सकते हो इमरजेंसी में। अगर कोई आपके आसपास नहीं है, घर में नहीं है, तो आप इमरजेंसी में कभी कभी कर सकते हो। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, आप प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें। मेरा वीडियो का व्यूज़ थोड़ा सा अभी डाउन चल रहा, मैं भी थोड़ा अभी डाल नहीं पा रही हूँ, तो आप अच्छे से मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।